सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। वाराणसी कमिश्नर पुलिस ने 2 करोड़ की ठगी मामले का किया खुलासा। फिल्मी अंदाज में देते थे वारदात को अंजाम। रेशम फर्म के प्रबंधक के साथ 2 करोड़ की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया था। टैक्स में छूट दिलाने के नाम पर 2 ठगों ने झांसा देकर घटना को अंजाम दिया था, जिसका वाराणसी पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में 4 अंतर्राज्यीय बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 1,87,00,000 नगद, 7 मोबाइल, विभिन्न बैंकों के 8 ATM कार्ड व अन आइडेंटिटी कार्ड बरामद हुए। बदमाशों ने अत्यंत सातिराना अंदाज में वारदातों को अंजाम देते थे। वारदातों को अंजाम देने वाले में से 3 की गिरफ्तारी मुंबई से और 1 अपराधी की गिरफ्तारी दिल्ली NCR से की गई है। 4ों से पूछताछ कर आज उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। बस खराब हो गया, मिली ना कुछ तरीके, कुछ मिली ना का खुलासा, क्या हुई थी घटना? ऐसा है कि 20 अप्रैल को थाना चेतगंज में एक मुकदमा पंजीकृत होता है, जिसमें पीड़ित के द्वारा ये तहरीर और FIR दर्ज कराई जाती है कि उसके लगभग 2 करोड़ रुपए 4 अज्ञात लोगों के द्वारा ठग लिए गए हैं। इसकी विवेचना शुरू से ही हम लोगों ने क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम को लगाया। उनके द्वारा विवेचना में ये पता लगाया गया कि इस घटना को अंजाम देने में जो मास्टरमाइंड है, वह पंकज भारद्वाज नाम का व्यक्ति है, जो कि मूलतः हरियाणा का रहने वाला है, दिल्ली NCR में रहता था। हाल में वो पिछले कई दिनों से मुंबई में रुका हुआ है, तथा उनके 2 साथी जिनके नाम रोहन खिमची और तरुण गौतम हैं, इन्होंने बनारस में आके एक योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया, तथा फ्लाइट से घटना वाले दिन रात्रि में ये वापस दिल्ली चले जाते हैं, जहां से ये मुंबई सेफ हाइडआउट के लिए पहुंचते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर, साइबर डिटेक्शन के अनुसार हमें इनकी लोकेशन मुंबई में मिलती है, तो एक टीम हम मुंबई रवाना करते हैं, जहां पर इनकी कालांतर में गिरफ्तारी मुंबई के एक 5 सितारा होटल से होती है, और मुंबई में फिर हम लोग इन 3 अभियुक्तों को, जिनको गिरफ्तार हमने मुंबई से किया था, वहां के एक विशेष न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं और ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करते हैं। इनके बताए अनुसार जो ये धनराशि थी, उस धनराशि को दिल्ली के एक व्यक्ति के पास पहुँचा दिया गया था,